मध्य प्रदेश की धरती देश के कई ऐसे राजनेताओं की जन्मभूमि रही है जिन्होंने मध्य प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक मुकाम बनाया है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही नेता की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर तीन राज्यों से सांसद बना। एक ऐसा नेता जो अपने दोस्तों की पर्दे के पीछे रहकर मदद कर देता और वो मदद बाद में राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की, जिनका कल देर रात निधन हो गया और अब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। उनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश में होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। एमपी में एक राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के पास अपना खुद का कार्यालय तक नहीं है, लेकिन वो प्रचार प्रसार करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है। हेलीकॉप्टर से जब यह राजनीतिक पार्टी के नेता चुनावी क्षेत्रों में सभाएं करने जाते तो सैकड़ों की संख्या में लोग इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए एकत्रित हो जाते। ये पार्टी कौन सी है? पार्टी का नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास मध्य प्रदेश में खुद का निजी कार्यालय भी नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से अपनी चुनावी यात्राएं करते थे। ये हेलीकॉप्टर उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के द्वारा दिया गया था। शरद यादव एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने विरोधियों के साथ साथ अपने दोस्तों की भी काफ़ी मदद की है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के बाबई गाँव में जन्मे शरद यादव मध्य प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के एक सितारे बन गए। बाबई गांव में 1 जुलाई 1947 को शरद यादव का जन्म हुआ, जिसके बाद वे बीई करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे। जबलपुर में छात्र राजनीति से जुड़ने के बाद शरद यादव राम मनोहर लोहिया से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया। उस वक्त देश में जेपी आंदोलन पूरे सिर चढ़कर बोल रहा था और शरद यादव जेपी आंदोलन में शामिल हुए, जिसके बाद एक दो नहीं बल्कि 3 बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्हें मीसा आंदोलन के तहत, मीसा बंदी के तहत जेल भेजा गया, जिसके बाद से लगातार शरद यादव सक्रिय राजनीति में एक्टिव हुए। सन 1974 में जबलपुर से पहली बार शरद यादव सांसद बने। उसके बाद इसी सीट से दोबारा 1977 में शरद यादव सांसद बने, फिर उत्तर प्रदेश चले गए। उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से 1989 में सांसद बने और उसके बाद फिर शरद यादव अपनी राजनीतिक यात्रा करते हुए बिहार पहुंचे, जहां से वे कई बार सांसद रहे और देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। शरद यादव के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी सहित कई अन्य राजनेताओं ने दुख जताया है। खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर शरद यादव के पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए दिल्ली पहुंचे। शरद यादव का अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि यानी कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के बाबई गांव में किया जाएगा। बाबई में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। शरद यादव से जुड़ी हुई ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। उनसे जुड़े हुए कोई किस्से आपके पास यदि हैं तो उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। आप आयुध को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से आयुध को सब्सक्राइब कराएं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।